तुम कर रहे हो ना। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर कपिल कपूर चेयरमैन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला टू से अ फ्यू वर्ड्स। Actually, we had decided that sir would chair the session, so he would start the session. So it was decided, but nevertheless, we start with Professor Anikant Kumar Jain, Professor, Department of Jain Philosophy, Faculty of Philosophy, Sri Lal Bahadur Shastri, National Sanskriti University, Delhi. अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांत मयिमूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता अम्बो मंगल मुक्केट्टम अहिंसा संजमो तवो देवावीतम नमस्संति जस्त धम्बे सया। आदरणीय इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर कपूर जी, चेयरमैन भाई साहब तरुण विजय जी, प्रोफेसर वशिष्ठ जी, प्रोफेसर मणि जी, प्रोफेसर उत्तम जी, डॉक्टर भीम उपाध्याय जी एवं यहाँ पर समुपस्थित सभी विद्वतगण, आज मैं एक ऐसे विषय पर हम लोग सभी एक अछूते पहलू पर यहाँ विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं चूंकि लिटरेचर का सेशन है और मैं प्राकृत अपभ्रंश का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं, तो मैंने उसके आधार पर एक दिल्ली का जो सौंदर्य है, हमारे अनंग पाल के विषय में जो उल्लेख प्राप्त होते हैं, उसकी चर्चा में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। हमें बहुत ईमानदारी पूर्वक भारत के सही इतिहास की खोज करनी चाहिए। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें जैन आचार्यों द्वारा रचित प्राचीन साहित्य और उनकी प्रशस्तियों का अध्ययन भी अवश्य करना चाहिए। यह बात अलग है कि उनके प्राचीन साहित्य को स्वयं भारतीय इतिहासकारों ने उतना अधिक उपयोग नहीं किया, क्योंकि जैन आचार्यों द्वारा रचित साहित्य के उद्धार को मात्र गिनती पर गिनने योग्य लोगों की जिम्मेदारी समझा गया और उनको राजकीय प्रश्रय भी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए तमाम हजारों पांडुलिपियां आज भी शास्त्रागारों में बिना किसी संपादन और प्रकाशन के डली हुई है। इसलिए बहुत कुछ संभावनाएं हमारे इतिहास की उनमें छुपी हुई हैं, बहुत ज्ञान छिपा है जो आज अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा। हमारे आचार्यों ने संस्कृत में, प्राकृत में, अपभ्रंश में, विभिन्न भाषाओं में प्रणीत हजारों लाखों ग्रंथ लिखे हैं और प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि जो जैन मुनि होते थे वो पाद विहार, पैदल ही विहार करते हैं पूरे देश में और वो विभिन्न स्थितियों को, भौगोलिक स्थितियों को देखा करते थे और अपने ग्रंथों में उसका वर्णन करते थे और प्रशस्तियों में वो इतिहास, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, राजनीति, इन सब का वर्णन कर दिया करते थे, उसके बाद ग्रंथ की रचना करते थे। मैं जिस ग्रंथ के आधार पर अपनी बात कह रहा हूं वो ग्रंथ भी आपके समक्ष यहां लेकर आया हूं। ये पाषाण चर्यु ग्रंथ है जो कि लगभग 12वीं शताब्दी में अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है और बुद्ध श्रीधर कवि के द्वारा इसकी रचना की गई। इस ग्रंथ में अनंगपाल तोमर का वर्णन है प्रशस्ति में और ढिल्ली का सौंदर्य कैसा था उसका पूरा विस्तृत विवेचन यहां पर कवि ने किया है। मैं कुछ उसकी झलकी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमारे जो आचार्य हुए हैं, अगर हम इतिहास को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हैं तो बहुत कुछ लेखकों को भी हमने उपेक्षित किया है। जैसे मैं मानता हूं डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन का भारतीय इतिहास एक दृष्टि, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है,
उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमको एक नई दृष्टि प्राप्त हो सकती। मैं जैन साहित्य में इतिहास की खोज करने वाले 95 वर्षीय वयोवृद्ध विद्वान प्रोफेसर राजा राम जैन जी, जो वर्तमान में नोएडा में हैं और कहीं आने जाने में असमर्थ हैं, उनसे भी मैंने इसकी चर्चा की। और 12वीं शताब्दी के करीब जो जैन संत बुद्धजन बुद्ध कवि कर बुद्ध श्री पर अपभ्रंश भाषा के पास रहाचर्यु, उनका योगदान है कि उन्हें अत्यंत परिश्रम के साथ इस ग्रंथ को हमारे सामने प्रस्तुत किया और हम इस तरह की जानकारी को प्राप्त कर पा रहे हैं। आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तोमरवंशी राजाओं की चर्चा बहुत कम होती है, जबकि दिल्ली एवं मालवा उसके सर्वांगीण विकास में इसका बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और दिल्ली शाखा के तोमरवंशी राजा अनंगपाल का नाम अज्ञान के कुहासे में विलीन होता जा रहा था, लेकिन हरियाणा के जैन महाकवि बुद्ध श्रीधर ने पाषाणाचार्यों की विस्तृत प्रशस्तियों में उसका वर्णन करके उसे स्मृतियों में धूमिल होने से बचा लिया। बुद्ध श्रीधर के साहित्य से ज्ञात होता है कि वे अपभ्रंश भाषा के साथ साथ संस्कृत प्राकृत व्याकरण साहित्य के भी बहुत बड़े विद्वान थे। और इस बात पर उनका पता चलता है कि जब वो दिल्ली की सड़कों का वर्णन करते हैं, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो उसकी उपमा कातंत्र की टीकाओं से करते हैं, जो कि पाणिनी पूर्व टीकाएं व्याकरण की, व्याकरण का ग्रंथ है कातंत्र, उसकी टीकाओं पर वो कहते हैं कातंत्र एव पंजी समृद्धु, माने जिस प्रकार कातंत्र व्याकरण अपनी पंजिका से समृद्ध है, उसी प्रकार वह दिल्ली भी पद मार्गों से समृद्ध है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कुंदन लाल जी दिल्ली के बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उनका देहावसान हो गया लेकिन बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते हैं। उन्होंने बात लिखी कि तोमर साम्राज्य लगभग 450 वर्ष तक पल्लवित होता रहा और उसके प्रथम संस्थापक अनंगपाल थे। इनसे संबंधित एक जैन कवि दिनकर सेनचित द्वारा अपभ्रंश भाषा में एक अड़ंग चर्यु की रचना हुई अपभ्रंश भाषा में, और जिसका उल्लेख महाकवि धवल के हरिवंश रास और धनपाल के बाहुबली चर्यु में प्राप्त होता है और भी कई ग्रंथों में प्राप्त होता है और उसकी प्रशस्तियों में उसका उल्लेख है, लेकिन ये ग्रंथ आज अनुपलब्ध है। हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वो ग्रंथ खोजा जाए, जो कि अनंगपाल के नाम से ही लिखा अड़ंग चर्यु, तो अगर वो ग्रंथ मिले तो हमें बहुत सारी बातों की नई जानकारियां प्राप्त हो सके। इतिहास की दृष्टि से संपन्न थे, कभी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे तो बहुत सारी बातों को देखते थे। उन्होंने चंद्रप्रभ चरित लिखा और कहते हैं कि जब मैं वो लिखते थक गया तो मैं घूमने के लिए हरियाणा से जमुना पार करते हुए दिल्ली आया, ढिल्ली आया घूमने के लिए, और मैंने यहाँ क्या क्या देखा उसका वो वर्णन अपनी प्रशस्ति में करते हैं। इस ग्रंथ में उसकी प्रशस्ति में सारा उल्लेख आप पढ़ सकते हैं। वो लिखते हैं कि दिल्ली में सुंदर सुंदर चिकनी चुपड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों पर चलते चलते विशाल उच्ची अट्टालिकाओं को देखकर प्रमुदित मन जब आगे बढ़ा जा रहा था, तभी मार्ग में एक व्यक्ति ने उनके हाव भाव को देखकर उन्हें परदेशी और अजनबी समझा और जिज्ञासा बस पूछा, आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा, मैं हरियाणा निवासी बुद्धशर कवि हूँ, श्री बुद्ध श्रीधर कवि हूँ, एक ग्रंथ लिखते लिखते थक गया था और मन को ऊर्जित करने के लिए मैं यहाँ दिल्ली घूमने के लिए चला आया। और वो वर्णन करता है, जो प्रश्न उनसे कर रहे थे वो एक अल्हड़ साहू थे जो अनंगपाल के दरबार में विशेष महत्व रखते थे, और ये अल्हड़ साहू एक जैन श्रेष्ठी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे दिल्ली के। तो जब उन्होंने उनको देखा तो पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह यहाँ क्यों बैठे हैं, आप एक नगर सेठ नट्ठल साहू जैन हैं यहाँ पर, उनसे आप मिलिए। तो इन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि जो धनिक लोग हैं वो कवियों की कीमत नहीं करते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। बड़ा अच्छा वर्णन उन्होंने अपभ्रंश में उसमें नट्ठल साहू के बारे में लिखा, लेकिन वो अल्हड़ साहू उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत विद्वानों का सम्मान करते हैं, कवियों का सम्मान करते हैं, और उन्होंने यहाँ पर एक नाभेय मंदिर बनवाया जो आदिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। नाभे बने नाभे के पुत्र, नाभिराज के पुत्र आदिनाथ, तो आदिनाथ का मंदिर एक विशाल मंदिर है। तो वो बड़ा खुश हो गए और उनसे मिलने के लिए नट्ठल साहू के पास चले गए, और वहां पर
जब उन्होंने नट्ठल साहू से मुलाकात की तो नट्ठल साहू ने ये बात बताई कि मैंने यहाँ पे तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिष्ठा करवाई है और ये वही इलाका है जो कुतुब परिसर का इलाका कहलाता है। वहां पर एक नाभे आदिनाथ का बहुत विशाल जैन मंदिर बना हुआ था और उनसे जब वो बातचीत करते हैं तो बहुत सारी बातें बताते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के धाम के समान मैंने आठवें तीर्थंकर चंद्रप्रभ की भी प्रतिमा यहाँ स्थापित करवाई है। ये नट्ठल साहू उसको बताते हैं, इसका वर्णन वो कर। और उन्होंने कहा कि मंदिर के ऊपर हमने एक पंचरंगी शिखर पर पंचरंगी ध्वजा भी लहराई है, इसका भी वो अपभ्रंश में पूरा उसका वर्णन बड़े अच्छे से कर रहे। और जब वो वर्णन करते हैं तो वो ये बात वर्णन करते करते समय कहते हैं कि एक गगन मंडल को छूते हुए साल है यहाँ पर, गगन मंडललु सालु, ऐसे अपभ्रंश में वो बोलते हैं। और कहते हैं कि वो गगन चुंबी सालु, जिसको हम लोग कीर्ति स्तंभ या सूर्य स्तंभ का नाम दे रहे हैं, वो यहाँ पर स्थित है, उसका वर्णन कर रहे हैं। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत पहले की घटना है, वो जब आकर यहाँ उसने कुछ नहीं किया और उसका वर्णन वो कर रहे हैं। तो जो प्रोफेसर राजा राम जी हैं वो इस बात को अपने अभिमत में कहते हैं कि ये जो कीर्ति स्तंभ है वो राजा अनंग पाल ने अपने दुर्धर शत्रु पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था ऐसा लगता है। और उन्होंने नाभे मंदिर के निर्माण के प्रसंग में बात कही कि नट्ठल साहू ने उक्त मंदिर शास्त्रोक्त विधि से निर्मित करवाया। और जैन मंदिर वास्तुकला में मानस स्तंभ मंदिर के द्वार पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना बताया गया। और मानस स्तंभ की रचना अगर आप तुलना करेंगे, उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए कुतुब मीनार, ये मानस स्तंभ एक तिलोय पंडिती प्रथम शताब्दी का प्राकृत का ग्रंथ है आचार्य यति वृषभ ने, उसमें उन्होंने ये 14वें अध्याय में ये गाथा है 761 से पूरा इसका मानस स्तंभ का वर्णन किया है। आप इस मानस स्तंभ का चित्र मैंने वो जो उसके वर्णन के आधार पर तैयार किया गया है उसकी मैं यहाँ पे आपके व्याख्या कर रहा हूं। तो आप एक तुलना करके देख सकते हैं कि ये बगल में नाभे मंदिर है और उसके समक्ष ये कुतुब मीनार के साथ मानस स्तंभ, और मानस स्तंभ के सबसे शीर्ष पर आप देखें चार मुख वाली, एक मुख में एक शरीर में चार नहीं बल्कि चार दिशाओं में चार तीर्थंकर की प्रतिमा सर्वोच्च स्थान पर विराजमान होती है मानस स्तंभ के ऊपरी पटल पर। और ये सब लोग जानते हैं कि मानस स्तंभ का जो कुतुब मीनार का जो ऊपरी स्थल है वो डैमेज हो गया था या कर दिया गया था, जो भी हो उसकी मूर्तियां वहां से निकाल दी गई और वो कुतुब मीनार में ही बनवाते समय उसको अंदर उसके अंदर स्थापित कर दी गई। और उसके अंदर कई जगह जब ये 1981 में घटना घटी थी तो वहां पत्थर उखड़ गए थे और कई जैन मूर्तियां उस समय वहां से निकली थी और ऐसा पता चला कि या कहीं सुरक्षित है या वापिस उसी में उन्होंने लगा दी। तो इस प्रकार हम देखें कि वो जो वास्तुकला के अमर चिन्ह कुछ समय बाद ये सब नष्ट भ्रष्ट हो गए और परवर्ती काल में ओझल हो गए। मैं मानता हूं पंडित हरिहर प्रसाद हरिहर निवास द्विवेदी जी ने इन संदर्भों को बहुत अच्छे से उल्लिखित भी किया है। और ये जो गगन चुंबी कुतुब मीनार ही अनंग पाल तोमर द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का शासक बना तो उसने उस विशाल नाभे मंदिर और अन्य बहुत सारे जो शैव मंदिर हिंदू मंदिर आसपास थे उनको तोड़वाया और उसको उसने अपनी पताका के तरह की मैंने विजय प्राप्त की है इस तरह से उन्होंने वो अभिलेख भी आप इसके पहले मैंने दिखाया था, ये अभिलेख भी वहां पर द्वार पर ही लगा हुआ है। यहाँ बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। ये जैन मंदिर की जो वास्तुशास्त्र के अनुसार शास्त्र में विधि बताई गई है कि ऐसा मंदिर बनना चाहिए, ये मैंने वहां से प्रमाण लिया है। इसमें इस तरह की व्यवस्था रहती है कि मंदिर होता है उसके सामने मानस स्तंभ होता है, आज भी जैन मंदिरों के सामने मानस स्तंभ स्थापित किए जाते हैं। अब ये जो मैंने देखा वहां पर मैंने विजिट की तो वहां बताया कि ये बगल में सामने पूरब दिशा की तरफ ASI ने शायद ये स्थापित करवाया और ये वहां पर लोग बताते हैं, वहां लिखा तो नहीं है, कि ये ऊपर वाला भाग है जो टूट कर गिर गया था उसको किसी तरह संभाल करके यहाँ पर लगा दिया गया, ऐसा वहां लोगों ने बताया, बाकी इसकी प्रामाणिकता विद्वान लोग बताएंगे। तो मुझे ये लगा कि ये हो सकता है जो मानस स्तंभ का ऊपरी भाग था ये वो संभवतः इसको हम देख सकते हैं। बाकी जो वहां पर जो शिलालेख लगा हुआ है मस्जिद के मुख्य द्वार पर वो सब आपने पढ़ा होगा, अरबी भाषा में लिखा हुआ है और उसके जो मीनिंग मैंने समझा, मैंने नेट से उसको सर्च किया, उसमें उसने ये लिखा था कि सूर्य स्तंभ के घेरे में बने हुए 27 बुद्ध खानों को तोड़ा, उसने सूर्य स्तंभ नाम उसका दिया।
तो मैं आप सबके आशीर्वाद से नई उद्भावना भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, इस दृष्टि से कि जब तमाम उसमें आशाएं की जा रही है, संभावनाएं की जा रही है, तो एक जब अध्ययन करते समय मेरे मन में आया तो मैं एक विनम्रता पूर्वक निवेदन और करना चाहता हूं। यद्यपि प्रोफेसर राजाराम जी ने मानस स्तंभ की बात कही थी, लेकिन मैं एक और नई बात आपके सामने इस संदर्भ में कहना चाहता हूं। और मैं चूंकि मेहरौली का ही निवासी हूं और लगभग 8-10 साल से वहां रह रहा हूं, वहां भ्रमण भी करता हूं, लेकिन इस सेमिनार के निमित्त से मैंने इस तरह से दृष्टि से उसको कभी देखा नहीं था और ये मुझे देखने का अवसर मिला, इसलिए मैं विशेष रूप से भाई साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। दूसरा, मैंने ये जो आप वर्णन आपने पढ़ा होगा उसकी लंबाई वगैरह, तो ये जो कहते हैं कि 300 फुट उसकी छाया पड़नी चाहिए लेकिन कम पड़ती है, वही ये भाग है जो टूट गया था, इसके कारण से उसकी छाया उतनी 20 फुट कम पड़ती है, ऐसा मुझे देखने से लगा। इसके बाद ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे विद्वानों का उल्लेख किया मैंने जिन्होंने बात कही है, कभी आप ये लेख पढ़ेंगे, उसमें जो लेख पढ़ा गया केदार प्रभाकर जी ने मस्जिद के पश्चिम भाग से, सूर्य मेरु पृथ्वी यंत्रे मिरावली यंत्रेणा, ये बात उन्होंने कही। अब ये जो वहां पर हम बराह मेहर की भी बात कहते हैं, बहुत हजारों साल बीत गए, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि सूर्य मेरु पृथ्वी यंत्रे मिरावली यंत्रेणा, ये जो सूर्य मेरु शब्द का प्रयोग किया, इससे ही मेरे मन में जो बात आई है वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ये देखिए, एक सुमेरु पर्वत जो जम्बूद्वीप के बीच में विद्यमान होता है, उसकी परिकल्पना की जाती है, शास्त्रों में उसका पूरा वर्णन है और जैन शास्त्रों में बड़े विस्तार से उसका वर्णन किया, और इस सुमेरु पर्वत को इसके पर्यायवाची नाम है जो हरिवंश पुराण में लिखे हैं, सूर्याचरण विख्याति सूर्यावर्ता स्वयं प्रभा इत्थम सुरुग्रीश्चेति लब्ध वर्णै सवर्णितः, इस तरह से सूर्य के उसके नाम है सूर्य मेरु, और वो जो कह रहा है जब अभिलेख में कि ये सूर्य स्तंभ को मैंने ऐसा किया, ये सूर्य स्तंभ के चारों तरफ ऐसा था, तो उससे मुझे लगा, और ये आकृति भी, ये जो मैंने आपको यहाँ चित्र दिखाया है, ये वर्तमान में हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की संरचना आरिका गणनी ज्ञानमती माता जी ने हूबहू रचना बनवाई है बड़े परिश्रम से, और कभी आप हस्तिनापुर जाए तो जम्बूद्वीप में देखें, पूरे ये लवण समुद्र बने हुए और बीच में जम्बूद्वीप की रचना है, लोग इसमें परिक्रमा करते हुए ऊपर दर्शन तक करने चले जाते, तो इससे मुझे लगा कि एक संभावना इस तरह की भी देखी जा सकती है, और शास्त्रों में ये मेरु पर्वत का इस तरह से वर्णन किया गया है, जो देखिए इसमें भी सारे सूर्य शनि चंद्र स्वाति चंद्र नक्षत्र आदि आसपास दिखाए गए हैं, और इसका एक करणान योग जैन शास्त्र है उसमें इसका बड़ा वर्णन मिलता है, उसके विशेषज्ञ लोग भी होते हैं जो गहराई से इसके माप तौल को समझते हैं, उसका वर्णन पूरा मैंने यहाँ पर, वो कितने योजन लंबा है, उसमें एक ये बात कही है जो वर्णन है सुमेरु पर्वत के पास का, कि उसके नीचे एक भद्रसाल वन है, उसके चारों दिशा में एक एक विशाल जिन मंदिर है, इनका नाम है त्रिभुवन तिलक जिन मंदिर, जिसमें 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान है, और वर्तमान में भी लोग शास्त्रों के आधार पर जो प्राचीन वर्णन मिलते हैं उसके आधार पर एक संरचनाएं लोग वर्तमान में भी बनवाया करते हैं, उसकी दृष्टि को हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, चूंकि मैं आर्टिकल नहीं पढ़ रहा हूँ, जो मुख्य बातें हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, कि एक मुझे कुतुब मीनार परिसर से जब अंदर घुसते हैं, माने उसके पहले टिकट लेने के पहले जो बाहर का परिसर है, वहां पे इस तरह का एक स्मारक मुझे दिखाई दिया, तो मैंने वहां पूछा ये क्या है, तो लोगों ने और वहां के गाइड वगैरह ने बताया कि तो अंग्रेजों ने ऐसे ही बनवा दिया था, इसका कोई वो महत्व नहीं, तो मुझे लगा ऐसे कैसे बनवा दिया बिना किसी महत्व के, तो मैंने तुलना करने का प्रयास किया है कि जो नट्ठल साहू जब ये कह रहे थे कि मैंने यहाँ प्रतिष्ठा करवाई है, और जैन परंपरा में जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा समारोह होता है तो जो तीर्थंकर का जन्म की क्रिया होती है उसके जन्मों उनका जन्माभिषेक किया जाता है, और वो जन्माभिषेक के लिए पांडुक शिला बनाई जाती है, वो इसी तरह की होती है, जो कि शास्त्र में उसका उल्लेख है, मैंने यहाँ पर तीन लेयर में ये पांडुक शिला है जिस पर तीर्थंकर को रख करके उनका जन्माभिषेक सौधर्म इंद्र करता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख किया गया, तो मुझे लगा जब वो कह रहे मैंने यहाँ पे प्रतिष्ठा करवाई थी इस बुद्ध श्रीधर के द्वारा, तो हो सकता है कि वो ये पांडुक शिला उन्हीं की देन हो, और बाद में आप बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं,
मैं सारा वर्णन यहाँ पर नहीं करूंगा, समय का भी अभाव रहता है। कुछ मैं जैन मूर्तियों को यहाँ पे जो ये स्वयं मैंने चित्र खींचे हैं हमारे मित्र शिशिर के माध्यम से, मैं गया था वहां पर, और ये देखिए जो पिलर है, एक पिलर के चारों तरफ जैन तीर्थंकर की मूर्ति है, वही पर कोटा है ये, और वहीं पर एक दिशा में खड्गासन प्रतिमा भी लगी हुई है तीर्थंकर की, और एक तीर्थंकर पार्श्वनाथ का ऊपर जो कला कलाकृति से युक्त जो छत है उसकी तरफ देखिए, वहां पर भी बीच में तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, और ये बहुत सारे तीर्थंकरों के चित्र वहां पर जो ऊपर का भाग है उसकी तरफ ये मैं आपको दिखा रहा हूं। एक जैन तीर्थंकर, जहां आप कभी जैन मंदिर जाएं तो वहां शासन देवी देवताओं की मूर्तियां बहुत सारी रहती हैं, जिसमें हमारे गणेश जी की भी मूर्ति विद्यमान रहती है, अन्य देवी देवताओं की भी, एक अंबिका शासन देवी बहुत प्रसिद्ध, तो ये एक मूर्ति मुझे लगा ये शासन देवी अंबिका की मूर्ति हो सकती है, कभी इसकी तुलना की जा सकती है। दूसरा एक जो बाहर परकोटे के बाहर की तरफ जाएंगे तो जमीन में उल्टी मूर्ति लगा दी उन्होंने, एकदम जमीन की तरफ धसी हुई, इसके बगल में गणेश जी हैं और इसके बगल में ये मूर्ति जो मैं बता रहा हूँ ये हैं, और वहां पर मेहरौली के लोग गणेश जी की पूजा करने चले जाते थे तो लोगों ने वहां पर एक जाली बनवा करके बंद करवा दिया कि लोग आए ना यहाँ पूजा पाठ करने के लिए, और उसको बंद करवा दिया। लेकिन उसके बगल में एक ये शासन देवी जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ की है और उनके सिर पर फण रहता है, तो वो पद्मावती देवी का भी एक यहाँ पर चित्र हमको लगता है, मैंने उसको उल्टा भी कर दिया ताकि स्पष्ट समझ में आए। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी परिकल्पना है, मैं जो जितना जैन संस्कृति का मेरा अध्ययन है मैं उस आधार पर उसका अध्ययन कर रहा हूँ, और मेरा अध्ययन कोई अंतिम नहीं है, बल्कि मुझे लगता है इस अध्ययन की इस कार्यक्रम के निमित्त से मेरी शुरुआत हुई है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ अंत में कि ये जो द्वार है, जो प्रवेश द्वार है सर, ये देखिए उसमें ये जो प्रवेश द्वार है, ये जो समोसरण की रचना का जैन शास्त्रों में वर्णन आता है उसमें सबसे पहला कोट द्वार कहलाता है, जो तोरण द्वार है उसका चित्र मुझे मिला, तो मैंने उसकी तुलना इससे करने का प्रयास किया। आप देखिए बिल्कुल, और इसमें घंटियां बनी हुई हैं, आप पूरे परिसर में घूमेंगे आपको हजारों घंटियां बनी हुई मिलेंगी, और इस बात का उल्लेख विभुत श्रीधर करते हैं कि वहां पे घंटा नाद सुनाई देता है और चारों तरफ घंटियां बजती रहती हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई घंटा भी बहुत बड़ा वहां पर विद्यमान रहा होगा पहले, कभी उनके वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है। और पहले जो खुदाई में देव मूर्तियां मिली थी उसके कुछ हमारे पास उल्लेख है, मैं सिर्फ चित्र दिखा देता हूँ, एक कुछ प्रमाण इकट्ठे किए हैं, कुछ बताने का मैंने प्रयास किया, और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। और मैंने जो मैं स्वयं दर्शन शास्त्र का संस्कृत प्राकृत का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी जो बनारस में प्रोफेसर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे कला और पुरातत्व में थोड़ी रुचि हुई, तो उसके आधार पर मैंने अपनी बात प्रस्तुत की है। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू अनिकांत सर फॉर एनरिचिंग ऑल ऑफ अस विद योर थरो रिसर्च।